नमस्कार साथियों साथियों कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और व्यस्त होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार खुश और स्वस्थ रहें। मैं भी स्वस्थ हूँ। साथियों आज हम बात करेंगे, ये जो टहनी सी दो देख रहे हैं खड़ी हुई, ये बड़ा ही प्यारा पौधा है और इसका नाम है कसावा। ये हम पिछले साल ला के लगाए थे। ये असल में जो साबूदाना है, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा लेकिन खाया खूब होगा। साबूदाना अगर खाते हैं ना हम लोग घर में, बस इसी से बनता है साबूदाना हमारे यहाँ पे। तो ये पौधा सर्दियों में अपनी पत्तियाँ गिरा देता है। आजकल इसने पत्तियाँ गिराई हुई हैं। तो आज हम इसके पौधे के प्रोपेगेशन की बात करेंगे। कसावा जो है हमारे चावल और मक्का के बाद दुनिया में कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत है। इसकी जो जड़ होती हैं वो स्टार्च युक्त होती हैं, स्टार्च भरा होता है, मोटी होती हैं। तो जी हाँ, आज हम इसी पौधे कसावा की बात करेंगे। और ये मूल रूप से जो है दक्षिण अमेरिका का पौधा, मगर अब ये विश्व भर के जितने भी गर्म क्षेत्र हैं उनमें सभी में उगाया जाता है। जब इसे पीस कर पाउडर या दानेदार बनाया जाता है तो इसे टैपियोका भी कहते हैं। तो इसके जो हमारा पौधा है इसको जो साबूदाना बनाते हैं तो तब इसको टैपियोका कहते थे। तो ये पौधा सूखे में कम उपजाऊ जमीन में भी हो जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है ना वो है मैनीहोट एस्कुलेंटा। तो पौधे का नाम है मैनीहोट एस्कुलेंटा। इसे जानवर वानवर नहीं खाते क्योंकि ये थोड़ा जहरीला होता है। तो और इसकी जड़ से साबूदाना बनाया जाता है। और ये यूफोरबिया परिवार का पौधा है। और आज हम बात कर रहे हैं इसके प्रोपेगेशन की। तो इसकी जो ये देख रहे हैं ना, ये टुकड़े से इसकी कटिंग काट लेते हैं हम। ये जैसे हमारे दो ये तने थे इसके, तो इन दोनों को नीचे का हिस्सा इसी में छोड़ देते हैं। और ये क्या है कि जब बसंत आता है ना, जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, गर्म इसको मिलता है, तो इसकी जो गाँठें सी हैं इसके तने पे, इससे ही पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये एक तरह से लकड़ी की झाड़ी है मगर सीधी बढ़ती है और 10 फुट तक पहुंच जाता है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं। कसावा की जो एक श्री रक्षा किस्म है, रोग प्रतिरोधी है और इसकी खेती खूब होती है। हमारा साउथ इंडिया में इसकी खूब खेती होती है और 45 टन पर हेक्टेयर तक ये किस्म जो उपज देती है। दक्षिण भारत में काफ़ी क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है। कंद वाली फसल है आलू की तरह। इसकी जो जड़ें हैं ना स्टार से भर होती हैं। इसकी बनावट कुछ देखेंगे तो शकरगंद की तरह होती है, मगर शकरगंद से थोड़ी लंबी होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में इसकी खूब खेती होती है। कम पानी, कम उपजाऊ वाली ज़मीन में इसकी खेती हो जाती है। बहुत सारी किस्में इसकी मशहूर है। तो जब इसकी कटिंग काटें आप, तो जहाँ से काटेंगे वहाँ फफूंदीनाशक लगा दीजिए जिससे रोग वोग ना लगे। हालांकि इसमें कीट रोग बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो इसको हम फफूंदीनाशक लगा लेंगे। बहुत सारी किस्में इसकी हैं, जैसे श्री प्रकाश, श्री हर्षा, श्री जया, श्री रक्षा, श्री विजया, ये हाइब्रिड किस्में बहुत मशहूर हैं इसकी। और इसके नाम से तो मैंने जैसे बताया कि आप लोग शायद अनजान हो मगर खाया कई बार होगा। मोटापा कम करने, पाचन दुरुस्त करने में विटामिन का एक स्रोत है ये हमारा, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो तनाव कम करने में, त्वचा के लिए, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने में ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इसकी खेती तने की कटाई से ही शुरू होती है। जैसे हम गन्ने में करते हैं ना, टुकड़े काट लेते हैं, तो ऐसे ही इसको इसके कंधों से इसके टुकड़ों को अलग कर लेते हैं। पत्तियाँ तो ये गिरा ही देता है, अगर पत्तियां हैं तो हटा दें, तने के टुकड़े करके और इनको जो उसमें कुछ नोड्स, कम से कम 3-4 ये नोड्स होनी चाहिए, और एक एक मीटर यानी 3-3 फीट पे दूरी पे इसको लगा दीजिए। एक हेक्टर में 10,000 पौधे अगर होंगे तो 45 टन तक ये उत्पादन एक हेक्टर में दे देता है। कम देख रेख में हो जाता है। और इसकी दो तरह की किस्में होती हैं, एक तो हरी पत्तियों वाली, दूसरी वेरीगेटेड। तो हमारे यहाँ पे हमने जो लगाई थी वो वेरीगेटेड है क्योंकि वो दिखावटी एक तरह से पौधा है और देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं उसकी वेरीगेशन, जो हरी और पीले का जो पत्तियाँ। कम खाद, कोई खास विशेष जंगली पौधा है तो खाद की कोई विशेष आवश्यकता होती नहीं।
कीट रोग लगते नहीं, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, ज़्यादा पानी में तो बल्कि इसके जड़ वाला पौधा तो जड़ें सड़ने की संभावना होती है। तो सादे ग्रीन वाले पत्ते वाली और वेरीगेटेड पत्ते वाली दो तरह की इसमें ज़्यादातर प्रजातियाँ हैं। इसका स्टेम कुछ रेडिश सा होता है जब ये, तो इसकी कटिंग जैसे हमने ली और फिर हमने इसको गमले में लगा लेंगे। अभी इसमें जितनी कटिंग हमने ली एक ही गमले में लगा लेंगे, फिर अलग लगा देंगे। इसको ज़्यादा सूरज भी नहीं चाहिए, 2-4 घंटे की सुबह की धूप मिल जाती है तो अच्छा ये हो जाता है। और वेरीगेशन इसका बनाए रखने के लिए, ज़्यादा छाया में रखेंगे तो वेरीगेशन थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, तो धूप भी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए जैसे मैंने कहा, बस जड़ के पास पानी नहीं रुकना चाहिए। और खेती में तो इसकी मेड़ बना देते हैं जैसे गन्ने की मेड़ बनाते हैं, और उसी में इसको लगा देते हैं। कुछ लोग इसे आड़ा लगाते हैं, कुछ खड़ा करके सीधे लगा देते हैं, जैसे हम कटिंग लगा रहे हैं इस तरह लगा देते हैं। तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट जो सर्दियों में ना टॉलरेट नहीं करवाता फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस समय इनडोर में इसको रख लेना चाहिए गमले को, तो अच्छा रहता है। और 6 से 12 महीने तक में अलग अलग किस्मों के हिसाब से तैयार हो जाती है। आप कभी भी इसकी खुदाई कर सकते हैं 12 महीने तक। तो इसको जो हम मेड़ बनाते हैं, मेड़ या बेड, उस पर लगा लेते हैं। जैसे मैंने बताया कटे हुए हिस्से पे फफूंदी नाशक इसके लगा दीजिए। और इसका बुआई का जो ना सबसे बढ़िया महीना है ना नवंबर दिसंबर, ये सबसे बढ़िया महीने हैं, उसमें ये आराम से हो जाता है। वैसे तो ये किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी जलवायु में, कभी भी सभी प्रकार की मिट्टियों में ये आराम से हो जाता है। तो इसका प्रोसेसिंग का, जब इसकी जड़ निकल आती है तो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको धुल लेते हैं, फिर छिलका उतार लेते हैं और फिर ये अरवी की तरह निकल आता है। इसके छिलके में बताते हैं, जड़ के जो छिलके में, तो उसमें जहर होता है। तो ऐसे कर लगा के कटिंग को, फिर पानी दे दीजिए। और पानी का बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है। तो साथियों कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। नमस्कार।